बड़ी खबर रायपुर से, जहां रमन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। संविदा महिला कर्मियों के वेतन सहित यहां पे कई अन्य फैसले लिए गए। 180 दिनों का प्रसूति अवकाश जो है वो संविदा महिला कर्मियों को वेतन के साथ मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति की छूट भी बरकरार रहेगी। 505 उप अभियंता बनेंगे अब सहायक अभियंता। ये कैबिनेट के फैसले जो आज रमन कैबिनेट में लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। कुलेश्वर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, रमन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, कौन से अहम फैसले जो इस कैबिनेट में लिए गए? ये आपको बताना चाहूंगा कि संविदा कर्मचारियों के लिए अब पहले तो इनको शासकीय कर्मचारी अब कहा जाएगा, साथ ही साथ 180 दिन का भी इनको अवकाश मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए शिल्पी केंद्र कल्याण बोर्ड का भी यहाँ पे गठन किया जाएगा। वहीं बिजली बिल स्कीम को भी मंजूरी मिली है। वहीं आने वाले समय में 10% अनुकंपा नियम भी स्किल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो कर्मचारियों का काफी दिनों से मांग था, कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा ही लाभ मिला है जो आज मुख्यमंत्री ने इनका फैसला लिया। वहीं 180 दिन का उनको अवकाश भी मिलेगा। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।